कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में 24 और 25 सितंबर को महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए सतरंगी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महानगरों की उद्यमी महिलाएं अपने हुनर से रीवा की महिलाओं को परिचित कराएंगी। इस समय हमारे साथ आप एक अपने स्क्रीन पर एक टीम देख रहे होंगे, ये टीम है सतरंगी मेले की। रीवा में 24 और 25 तारीख को सतरंगी मेले का आयोजन किया जा रहा है, महिलाओं का आयोजन है। यहाँ पर एक पूरी आयोजन की टीम हमारे साथ मौजूद है, मैं इसी टीम से बात करूंगा किस तरीके का आयोजन है, क्या है आप लोगों की रूपरेखा। हम रीवा में 24-25 तारीख को एक मेले का ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा जो क्लब है इनर व्हील क्लब, वो हमारा वुमेन ओरिएंटेड क्लब है। तो हम वुमेन से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं, लोग वुमेन्स इंडिपेंडेंट बने इसके लिए हम ज़्यादा काम करते हैं, लोग आगे बढ़कर काम दिखाएं। अगर कोई इन हाउस अपना कुछ काम कर रहा है, अगर कोई व्यापार कर रहा है महिला, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने का हम व्यवस्था करते हैं। महिलाओं को, हमारा जो क्लब है वो महिलाओं बेस्ड है, हम महिलाओं की ही उन्नति के लिए काम लगातार करते रहे, ये हमारा एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बताइए। मैं वंदना गुप्ता। इस सतरंगी मेले में 25 तारीख को कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जैसे ड्राइंग प्रतियोगिता हो गई, करवा चौथ की थाली प्रतियोगिता हो गई, फायरलेस कुकिंग हो गई, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएँ और अपनी कला को हम लोग निखारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चों में थोड़ा सा कला पीछे हो रही है, तो हम लोग का पूरा उद्देश्य है कि कला को आगे से आगे लाएं महिलाएं। खाना बनाने और तमाम तरीके की उसमें कला है, वो कला आज के युवा पीढ़ी में खत्म हो जा रही है। हम ये चाहते हैं उस कला को एक बार फिर से प्रमोट किया जाए, रीवा की गलियारों में एक कला फिर से दिखनी चाहिए। बताइए। जी, जैसा कि हमने बताया 24-25 को हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारा क्लब एक पूरा वुमेन्स क्लब है, इसमें सारी महिलाएं हुई और हम महिलाएं मिलकर पहली बार रीवा में इतना बड़ा कोई एग्जीबिशन है तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। शुरुआत में हमको भी थोड़ा नर्वसमेंट था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम वर्क कर पाएंगे नहीं, पर हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। हमने जो एक मिनिमम रखी थी कि हमारे इतने स्टॉल्स होंगे, उससे कहीं ज़्यादा स्टॉल्स हमारे बुक हो चुके हैं, और इवन अभी भी क्वेरीज आ रही हैं, अभी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, और हमने जो भी कॉम्पिटिशन के लिए एंट्रीज डिसाइड की उससे ज़्यादा एंट्रीज के लिए भी क्वेरीज, उससे ज़्यादा एंट्री आ रही है, जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि शुरू में डर लग रहा था, लेकिन दर्शकों और हमें जो यहाँ सहयोग मिल रहा है उसको देखकर हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो डर था वो गायब हो गया है। ये इनर व्हील क्लब के द्वारा महिलाओं के लिए लगाया गया बहुत ही अच्छा सतरंगी मेला है। हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आए और देखें हम लोग की जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को वो सफल बनाए, और हमारा उद्देश्य है कि रीवा की अधिकतर और बाहर गांव-गांव के सभी लोग आकर के देखें कि महिला उद्यमियों ने क्या क्या प्रयास किया है, महिला उद्यमियों ने क्या प्रयास किया है। अब जरूरत है रीवा वालों को देखने की, उससे प्रेरणा लेने की। प्लेटफॉर्म तो हमने तैयार कर दिया है, एक शानदार आयोजन हम निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। इस सतरंगी मेला में ही जैसे कि स्टॉल लग रहे हैं, वो स्टॉल काफ़ी बड़े बड़े हैं और बाहर से आ रहे हैं। जो भी स्टॉल आ रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, आगरा, इलाहाबाद, भोपाल और रीवा सतना के बहुत कम लोगों को हमने इसमें वो किया है। बाकी बाहर से जो आ रहे, बाहर की महिलाएं रीवा में आए, रीवा के लोग जाने कि बाहर यानी जो काम हो रहा है वो हम रीवा में करना चाहते हैं, और जितनी भी आ रहे हैं स्टॉल बाहर से सब लेडीज़ ही लगाएंगी। ये एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कि बड़े महानगरों से जो वहाँ महिलाएँ काम कर रही थी, वो महिलाओं का काम हमें रीवा में दिखाना है। हम ये चाहते हैं महिलाएं उस काम को देखें महानगरों में जो महिलाएं कर रही, और उसको यहाँ पर करने की कोशिश करें। तमाम तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया कि आपका मेला 24 और 25 तारीख को लग रहा है, तमाम तरीके के उस पर आयोजन हैं, तो ये दिमाग में किस तरीके से प्लान आया था कि महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए? हमारा जो क्लब है इनर व्हील क्लब, ये महिलाओं द्वारा संचालित और महिलाओं के लिए कार्य करने वाला एक इंटरनेशनल क्लब है। तो इसी के लिए हम अभी तक काफ़ी छोटे बड़े प्रोग्राम्स कर रहे थे, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप और बहुत सारे गतिविधियां हमने की हैं, पर हम एक चाह रहे थे कि महिलाओं को उनके व्यापार के प्रति भी हम एक प्रोत्साहन दें, उनको आगे लाएं। जो महिलाएं घर से काम कर रही हैं वो आगे आए और अपना हुनर दिखाएं कि वो इस हर चीज़ करने के लिए, जैसे हमने जब इसकी पहल रखी थी तो हमें डर लग रहा था इनिशियली, फिर ये जब होता गया तो हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा रूप ले लेगा,
और आज जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमारी ओवर बुकिंग चल रही है, ओवर बुकिंग चल रही है। 24 और 25 सितंबर को हमारा कृष्णा राज कपूर में एक बड़ा कार्यक्रम है। हमने जब पहले तय किया था तो हमें नहीं लग रहा था कि हम इस तरीके से आयोजन कर पाएंगे, हमें इस तरीके से सहयोग मिलेगा, लेकिन अभी कार्यक्रम होने में 2-3 दिन का वक्त है। हमारे पास हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा क्राउड है, इसका सीधा सा अर्थ है रीवा के लोग हमें पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं।